अब अजमेर दरगाह की ज्यारत करने वाले लोग सिर्फ अना सागर की पानी नहीं देखेंगे बल्कि अब अजमेर की अना सागर में डबर देकर क्रूज की शुरुआत। 45 मिनट तक पानी के बीच सफर का आनंद, पार्टी भी कर सकेंगे पर्यटन। अजमेर में आने वाले पर्यटकों को शुक्रवार को देश के पहले इलेक्ट्रॉनिक ई क्रूज की सौगात मिली। एक साथ 150 पर आना सागर झील की सैर कर सकेंगे। धार्मिक पर्यटन नगरी अजमेर में घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात है। ई क्रूज के रूप में ये सौगात मिली है। अजमेर शहर के बीचों बीच खूबसूरत आना सागर झील में देश के पहले इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर ई क्रूज शुक्रवार से शेयर करने के साथ साथ झील की सुंदरता को निहारेंगे। झील में 45 मिनट तक डबल डेकर ई क्रूज में सफर करने का किराया प्रति व्यक्ति 300 रुपये तक रखा गया है। साथ ही बर्थडे पार्टी या अन्य कार्यक्रम भी यहां किया जा सकता है। कई खूबियों के लिए अजमेर में ये क्रूज आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। राजस्थान के आना सागर झील में अब पर्यटकों को समुन्द्र का एहसास मिलेगा। जुमा को राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव दीवानी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और मेयर ब्रजलता हाड़ा समेत प्रशासनिक अधिकारी शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद थे। दिन जन प्रतिनिधि और अधिकारियों ने इस ई क्रूज की पहली यात्रा की। यहाँ बताता चलूं कि आना सागर झील में ई क्रूज संचालन का ठेका 67 लाख रुपए सालाना में दिया गया है। वहीं हर वर्ष 10% राशि बढ़ाई जाएगी। इस क्रूज की तामीर में 5 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसको गोवा की बोर्ड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अजमेर में ही बनाया है। ये देश का पहला ई क्रूज है जिसे भारी भरकम लोहे से नहीं बल्कि फाइबर से तैयार की गई है। इसकी खासियत यह है कि 4 फीट पानी में भी यह चल सकती है। ये 2 मंजिला क्रूज है जिसमें पहले यानी निचले सतह पर 75 और ऊपरी सतह पर 75 यानी कुल 150 लोग आनंद ले सकते हैं एक साथ। क्रूज संचालन कमेटी के मैनेजर सुरेंद्र राव ने बताया कि इस क्रूज की साइज 22 मीटर है। क्रूज को डबल डेकर बनाया गया है। पहला तल वातावरणीय एयर कंडीशन है। इसमें डांस फ्लोर और बाहर की ओर खुली हवा में बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके मुताबिक इंतजामिया का क्या कहना, चलिए सुनते हैं। आज अजमेर वासियों के लिए बड़ा सुखद क्षण है कि देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्रूज आज आना सागर के अंदर शुरुआत हुआ। मैं संचालक को और नगर निगम ने जो इस झील की व्यवस्था देखती है, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर से हमारे यहां अजमेर के अंदर और तीर्थराज पुष्कर में काफ़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। निश्चित रूप से उनको सुविधा मिलेगी और एक नया एडवेंचर मिलेगा जिससे हमारे पर्यटक बड़ा आज इस नवरात्रि में अजमेर का ऐतिहासिक क्षण है। उसी दिन अजमेर को एक ऐसी सौगात मिली है। आज आना सागर में जो इलेक्ट्रिक क्रूजर का शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप से हमारे लिए ये गर्व का विषय है और इससे पर्यटन भी बढ़ेंगे और अजमेर में पर्यटन की दृष्टि से ये मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें जब एक पर्यटन बढ़ता है तो उसके यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ती है। उस दृष्टि से यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इनके जिन्होंने शुभारंभ किया है ऐसे JP दधीच और इनकी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। कदम से कदम साथ आइए, पर बढ़िए ताकि अजमेर को पुराना गौरव जो था उसको हम सब लोग मिल करके